लगातार लोग कोविड नियमों का पालन करते हुए दिखाई दिए। बता दें कि मस्जिदों में एक साथ 5 लोग ही नमाज पढ़ सकते हैं, और ये खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। कोरोना के दिल्ली में 10,000 से कम केस आए हैं, पिछले 24 घंटों में लगभग 8,500 केस आए हैं दिल्ली में। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बहुत ज़्यादा केस आ रहे थे, 20 अप्रैल को तो 28,000 से भी ज़्यादा केस आए थे, आज 8,500 केस आए हैं। कई दिनों में पहली बार 10,000 के नीचे केस आए हैं। दिल्ली में संक्रमण दर भी काफ़ी कम हो गई है, पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर केवल 12% रह गई है। संक्रमण दर का मतलब, अगर हम 100 लोगों का टेस्ट करते हैं तो उसमें कितने लोगों को कोरोना मिलता है। ज़्यादा संक्रमण दर का मतलब होता है कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आज ये संक्रमण दर केवल 12% आई है, 22 अप्रैल को ये 36% तक पहुंच गई थी दिल्ली में संक्रमण दर। इसका मतलब दिल्ली में अब काफ़ी कम लोग बीमार पड़ रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती लोगों की संख्या भी अब काफ़ी कम हो गई है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के 3,000 से ज़्यादा मरीज कम हो गए हैं, यहाँ के 3,000 बेड खाली हो गए हैं, और अब अस्पतालों में बेड मिलने में परेशानी नहीं हो रही है। हालांकि एक बात देखने में आई है कि आईसीयू के बेड अभी भी भरे हुए हैं, इसका मतलब सीरियस मरीजों की संख्या अभी ज़्यादा कम नहीं हुई है। अभी भी दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू बेड लगभग सारे भरे हुए हैं। इस दिशा में भी आपकी सरकार काम कर रही है, लगभग 1200 नए आईसीयू बेड बन के तैयार हो गए हैं, और आज या कल में ये चालू होने वाले हैं। इससे अपने दिल्ली वासियों को काफ़ी राहत मिलेगी। दिल्ली में जो केस कम हो रहे हैं, इसमें हर दिल्लीवासी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। हमने दिल्ली में बहुत कड़ा लॉकडाउन लगाया, लेकिन दिल्ली वासियों ने उसमें पूरा सहयोग किया, सबने पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया। आज सब लोग बात कर रहे हैं कि दिल्ली वासियों ने इतने कम समय में कोरोना के केस कम कैसे कर लिए। ये केवल और केवल दिल्ली वासियों के अनुशासित आचरण की वजह से हुआ है, लेकिन लड़ाई अभी जीती नहीं गई है, लड़ाई अभी बाकी है। अभी भी 8,500 केस आए हैं, इनको जीरो तक ले जाना है, कोरोना को पूरी तरह ख़त्म करना है। और दूसरी बात, हम अगर अब ढीले पड़ गए तो ये केस फिर बढ़ जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है कि ये कम ही रहेंगे, फिर से दिल्ली पे मुसीबत आ सकती है। इसीलिए किसी भी हालत में ढिलाई नहीं करनी, कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करना है, और कोरोना से बचने के जितने भी उपाय हैं वो सारे लागू रखने हैं। दिल्ली सरकार भी अपने इंतजामों में कोई कमी नहीं छोड़ रही। हम अभी और नए ऑक्सीजन बेड बना रहे हैं, ऑक्सीजन के कई हज़ार सिलेंडर खरीद रहे हैं, नए नए आईसीयू बेड बना रहे हैं, ताकि भगवान ना करे अगर कोरोना के केस फिर से बढ़ गए तो हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं होगी। पिछले कुछ दिनों में बेहद दुखदाई, बहुत दुखदाई दिन बीते। पिछले सभी कोशिशों के बावजूद हम अपने कई दिल्लीवासियों को बचा नहीं पाए, कई परिवारों में तो एक से ज़्यादा मौत हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी आत्माओं को शांति प्रदान करें। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जिनके दोनों माता पिता चल बसे, अब उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं ऐसे सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि उनके दुख को मैं समझता हूँ, पर आप चिंता मत करना बच्चों, आप अपने आप को अनाथ मत समझना, मैं हूँ ना। किसी भी बच्चे की पढ़ाई बीच में छूटने नहीं देंगे, हर बच्चे की पढ़ाई जारी रहेगी, हर बच्चे की पढ़ाई और उन बच्चों की परवरिश का खर्चा सरकार उठाएगी। ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिनके जवान बच्चे थे, वो कमाते थे तब उनका घर चलता था, अब वो कमाने वाले बच्चे नहीं रहे। ऐसे सभी बुजुर्गों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे चले गए, इस बात का मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन आप चिंता मत करना, अभी आपका ये बेटा जिंदा है। ऐसे सभी परिवार
जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई उनकी मदद सरकार करेगी। ऐसे परिवारों की हम आर्थिक मदद तो कर देंगे, पर ऐसे बच्चों को, बुजुर्गों को इस वक्त प्यार की ज़रूरत है, हमदर्दी की ज़रूरत है। मेरी ऐसे परिवारों के सभी पड़ोसियों और उनके रिश्तेदारों से विनती है, इनका ख्याल रखना। ऐसे परिवारों पे बहुत बड़ी मुसीबत आई है, इन्हें अपना प्यार और अपनी हमदर्दी देना। दिल्ली के 2 करोड़ लोग, हम सब एक परिवार हैं। इस दुख की घड़ी में हमें एक दूसरे की मदद करनी है। आज ईद का त्यौहार है, ऊपर वाले से आपकी सेहत और आपकी खुशियों की प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। अरविंद केजरीवाल को सुना आपने, जिन्होंने बताया कि दिल्ली में केसेस बहुत हद तक कम हुए हैं, लेकिन अभी 8,500 जिस तरीके से 24 घंटे में केस निकले हैं, शून्य पर लाने की तैयारी है। और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का लोग सख्ती से पालन करें, और जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया है उनसे उनको उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो उनके लिए खड़े हैं, और जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को खोया है उनके लिए उन्होंने कहा है कि उनका बेटा अभी जिंदा है, आगे उनकी हर तरीके से मदद की जाएगी जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। कोरोना का असर ईद के त्योहार पर साफ